ये सारे का सारा फुटपाथ आबाद है। क्या इन लोगों की हाल है? तगड़े हो? पार्क के बूटे सारे पुट दिते जे? किन्ने बूटे ने है सन बूटे बिच? पौधे नहीं सन है? वेखे नहीं कभी? हाँ जी बूटे बूटे थे। किसने उखाड़े? ये इन्होंने जो बड़े दरख्त भी उखाड़े हैं इन्होंने, बड़े बड़े दरख्त भी उखाड़ने चाहिए थे। मेरे सामने उन्होंने दो तीन बड़े पेड़। हाँ जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। कितने दरख्त थे यहाँ? दरख्त काफी थे, दरख्त की दरख्त बहुत। तो ये तो उखाड़ दिए सारे? उखाड़ दिए, वो कहते हैं तब्दीली आई है। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी। तो मुसाफिर खाना बन रहा है, आपको जगह देंगे अंदर? तो करो ना, ये मुसाफिर खाना साढ़े वास्ते नहीं बन रहा। और मुसाफिर खाना फिर किसके लिए है? फुटपाथ पे बैठे भाई, ये किसके लिए? 257। चाचा सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम चाचा, क्या हाल है? तबीयत कैसी? क्या नाम है आपका? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद, मुझे बताएं कहाँ से आप, किस इलाके से? मैं फैसलाबाद। तो आप यहाँ ही रहते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? मैंने तकरीबन 2-3 साल हो गए, नहीं तो मजदूरी करने हैं रात में। तानू मुबारक हो, ये मुसाफिर खाना बन रहा है अंदर, तानू जगह देंगे? मुसाफिर खाना बन रहा, मोटर डीटा वास्ते साढ़े वास्ते नहीं बन रहा। तानू नहीं देंगे जगह? नहीं है, वास्ते बन रहा है। तानू जगह नहीं देंगे अंदर? आमीन अल्लाह। सोच, आपको जगह नहीं मिलेगी? नहीं, मुसाफिर खाना आपके लिए नहीं बन रहा। किसके लिए बन रहा है ये तो बाद में पता लगेगा। आप मुसाफिर नहीं है सारे? मुसाफिर है, मुसाफिर है, लेकिन साड़ी वास्ते है नहीं ना, है उन्होंने वास्ते जो मोटे डिटा वाले बड़े बड़े नोट वाले उन्होंने को नोट ले लेने। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। इमरान बेटा, क्या करते हो आप? पास आओ। कुछ भी नहीं करता, बस मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट नहीं बेटा पीना चाहिए, बुरी होती है, सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। आप इधर पार्क में जाते थे खेलने कूदने के लिए? हाँ जाता था। बूटे बाटे लगे थे पौधे? कितने थे? बहुत प्यारे बूटे। मलिक साहब किधर है? इतने प्यारे बूटे थे यार, मैं तो कहता हूँ मेरा दिल करता था मैं उसको चूम लूँ। बूटे भी खूबसूरत थे, आपको प्यारे लगते बूटे? बड़े प्यारे थे। तो आपको तो इमरान जगह देंगे अंदर बैठने के लिए, रुकने के लिए, मुसाफिर खाना बन रहा है, मुंह मत धोने के लिए? नहीं नहीं, नहीं मुझे इन्होंने कहाँ पे जगह देनी? नहीं देनी, नहीं देनी। पूरा ये फुटपाथ नहीं है जी, आबाद है पूरा। हाँ जी सर जी, इमरान खान जदू का आया महंगाई तो महंगाई होती जा रही है, गरीब बंदे वास्ते तो मुसीबत बनती जा रही है। हूँ गरीब 800 रुपया जारी जरा कमा रहा है, वो की खावेगा? सब क्या कह रहे? ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मुसाफिर खाना हमारे लिए थोड़ी बना रही है, ये तो के लिए बना रहे हैं। क्या कह रहे? जो पैसा लोग खा रहे हैं ना, ठेकेदार या इमरान खान जो भी खा रहा है, ये नवाज शरीफ उतरा है, ये आके बैठ गया जितनी महंगाई। देखिए गवर्नमेंट लाहौर में पहला अच्छा काम करने जा रही है, मगर वो पहले अच्छे काम पर ही कदगन लगा बैठी है। रवायत ठीक नहीं है, काम अच्छा है, काम अच्छा है, रवायत ठीक नहीं है। मेरे साथ क्या यहाँ आपको ये सारे लोग जो हैं, ये किसी ना किसी सूरत में यहाँ मुसाफिर हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, मजदूर भाई हैं हमारे सारे, और ये यहाँ मजदूरी भी करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ ये पनाह ढूंढते भी नजर आते हैं। ये सारे सारे अफराद जो हैं किसी ना किसी शहर से हैं। आप किस जगह से? डेरा गाजी खान से। आप जी? बकर। आप जी? गुजरांवाला। क्वेटा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान कौन सा कबीला है? गलजी। अलजीर। हाँ जी, आप किस? सलाम करने के लिए आया। अच्छा अच्छा, आप किस इलाके से? डेरा गाजी खान। आप किस इलाके से? बावलपुर। आप जी? आप शाहबाज से। आप? बुकाड़े से। बुकाड़े से। आप बेटा? डेरा गाजी खान। इमरान तुम किस इलाके से हो? इचरा। इचरा से, लाहौर से ही बेटा। आप किस इलाके से? ऐसा लाहौर के ही है। ये आपने देखा मोस्टली मुसाफिर है, ये सारे लोग मुसाफिर हैं। आप और मुसाफिरों को मुसाफिर खाने में कोई दाखिल होने देगा? सवाल ही पैदा तौर पे नहीं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है बाबा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। अदनान जी? अदनान किस इलाके से आप? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो फुटपाथ पे कब से बैठते हैं? मुझे 25-30 साल ही हो। आपको मुबारक हो, ये मुसाफिर खाना आपके लिए बना रहे हैं। पीछे देखने का वाला नहीं बेटा, ये ऊपर बनेगा। अच्छा, तो आपको जगह देंगे अंदर? ओके सर। आपको लगता देंगे? ओके, मेहरबानी, जो सर देगा वो ही लेक्चरों पे खड़ा हो जाएगा। तो यही बात, ये पार्क आपने देखा था अंदर से कभी? नहीं, नीचे से नहीं देखा हुआ हमने। पार्क नहीं, अंदर कभी गए नहीं? बाग के अंदर कभी नहीं गए? अंदर गए हुए हैं। और बूटे वगैरह लगे हुए थे? पहले लगे हुए थे, आज अभी अभी लेके चले गए सब कुछ। बूटे किस दिन काटे हैं इन्होंने? आज ही काटे हैं भाई। कुछ आज काटे हैं, कुछ कल काटे हैं, कुछ 4-5 दिन से लगे हुए हैं। हाँ ऐसा ही हो रहा है। ये जो फुटपाथ है जी, ये फुटपाथ आबाद है इमरान मलिक साहब, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से जितने भी लोग हैं,
लाहौर के इसमें कुछ परसेंट लोग होंगे, मोस्टली लोग दूर अफ्तादा इलाके से आए हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो यहाँ बड़ा जमान है, बैठे हैं। आपको लगता है कि इनको अकोमोडेट किया जाएगा? देखें जी फा साहब, ये साथ साथ आइए, और भी चीज़ें हैं। कैमरामैन साहब, अगर आप हमें, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि SOPs तय होंगे इनके, कि गवर्नमेंट ने क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह तो जो जितना भी ये मुसाफिर खाना या ये जो बनाने जा रहे हैं, तमाम के तमाम शहर लाहौर में मुसाफिर खाने। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? खैर से हैं? अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, किस इलाके से आप? लाहौर से हैं। यहाँ कब से बैठते हैं? काफ़ी देर हो गए, बस बेरोज़गारी है, घर नहीं है। आपका कोई नहीं है दुनिया में? नहीं है। बेगम वगैरह नहीं है? नहीं। बच्चे नहीं हैं? नहीं, सिस्टर थी वो अपने घर की हैं, अपने घर की हैं। बाजी से मिलने जाते हैं आप सिस्टर से? हाँ, कभी मुलाकात हो जाए तो हो जाए, जैसे कोई खुशी हो, गमी हो, तो इसके अलावा अदरवाइज नहीं, वैसे रब्ता नहीं होता। नहीं। तो ये मुसाफिर खाना जो बन रहा है, आपको लगता है कि आपको जगह देंगे अंदर? बहुत मुश्किल है सर, अपना अपना कोई मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। आपने सोचा ही नहीं इस बारे में कि हो सकता है दे दें? नहीं, हालांकि हमारे ID कार्ड हमारी गले में पड़े हुए हैं। बार बार आपको कह रहा हूँ, अंदर मॉनिटरिंग के लिए कैमराज लगाए जाएंगे, अगर इनके पास शनाती कार्ड होगा तो ये बैठेंगे, ये मॉनिटरिंग के लिए कैमराज होंगे और उसका कंट्रोल रूम बनेगा बाकायदा। यहाँ पे चौकी भी साथ लगाई जा सकती है बाकायदा, सब कुछ कह रहे हैं। हमारा पता क्या थीसिस है? हम ये कह रहे हैं कि इस दादा साहब की हदूद में इन फुटपाथों पे आप सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों कर लें, हजारों मोहताद अंदाजा, एक मिनट जरा, सैकड़ों लोग हैं, ठीक है, उनकी तादाद लगा लें सैकड़ों, उन सैकड़ों का आप क्या करेंगे? और ये जो मुसाफिर खाना यूज होगा, यूटिलाइज होगा, ये हकदार जो बाहर बैठे हैं बेचारे, जो सदा के मुसाफिर हैं, इनके लिए कुछ सेफ हाउसेज बनाने की बजाय, इनको अकोमोडेट करने की बजाय, और सबसे बढ़कर इनमें से बहुत बड़ी पैमाने पर लोग नशे के आदी हैं, उनका फौरी तौर पर इलाज करवाने की बजाय, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम जब मैंने और आपने और मलिक साहब ने करने आना है तो इनमें से बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो जाने हैं, क्योंकि उनकी इलाज नहीं हो पा रहा। इस बात से आप एग्री करते हैं साहब? यहाँ नामालूम लाशें कितनी मिल रही हैं? यहाँ 2 से 3 अफराद जो हैं वो सर्दी की शिद्दत से या नशे की शिद्दत से मौत की वादियों में उतर जाते हैं। मैं इमरान मलिक से फिर ये बात पूछ रहा हूँ कि इमरान साहब, 257 बंदों के लिए तो मुसाफरखाना बन गया, और मगर यहाँ जो सैकड़ों बंदे हैं उनका कौन वाली वारस है? टकसाली गेट से लेकर करबला गामेशाह तक आप देख लें, फुटपाथ इन मुसाफिरों से बड़े पड़े हैं, मगर इन मुसाफिरों को कोई जगह नहीं है, इन मुसाफिरों को मुसाफिर खाने के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, और अगर होने दिया जाए भी तो 257 की कैपेसिटी है और यहाँ पर तादाद बात कह रहा है सैकड़ों, मगर मैं कह रहा हूँ हजारों की तादाद में है। हजारों अफराद को किस तरह अकोमोडेट करेंगे वाह साहब, मुझे ये बताएं, ये सिर्फ शोबाजी है, मीडिया स्टंट है कि जी हम मुसाफर खाने बना रहे हैं, मुसाफर खाने बनाएं मगर उसकी कैपेसिटी को बड़ा करें, फुटपाथों से इन लोगों को उठाएं, इनको शेल्टर दें, इनको घर दें, इनको पढ़ाएं। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद किस इलाके से आप? लाहौर के। तो कब से नशा करते हैं आप? तकरीबन 10-12 साल से। आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड आया था, गुम हो गया। वही बात फाद साहब, एक मिनट, सवाल अब ये है कि इनको जो जो बीमारियां हैं और जो जो मसाइल हैं इनके, उसका इलाज किसने करवाना है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत। अब दूसरी बात ये कि ये एडिक्ट हो चुके हैं और क्रॉनिक एडिक्ट हैं, और इस एडिक्शन की वजह से ये अपनी वेंस तक काटते हैं, अपने आप को इंजेक्शन तक लगाते हैं, नशा इन्हें फराम होता है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा। और हमारी जो मुतलका इदारे हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी दस्तबस्ता अपील है कि मनशात के हवाले से आप 100 केस देख रहे हैं, उसमें लाहौर में बड़े पैमाने पर चौक चौराहों में, इवन दादा साहब के सामने बहुत बड़ी तादाद में अफराद जो हैं वो नशे के आदि अफराद सड़कों पे सरेआम पड़े हैं, रात पूरी यहीं सोते हैं, और आप मॉर्निंग में आएँ तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ आपको नशे के आदि अफराद की मिलेगी, इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, और ये नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम करने आते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग हमें नहीं मिलते, वो मिसिंग हो जाते हैं, वो मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं, वो यहाँ नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी बीमारी इस स्टेज की है कि उनका फौरी तौर पर इलाज करवाने की ज़रूरत है। ये लोग हम में से हैं, लेकिन सारे इदारे और सोसाइटी जो है इन्हें धुतकार चुकी है, जिसकी वजह से ये इस सूरत हाल तक पहुँचे। अल्लाह के बंदे हैं सारे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, और इनसे प्यार करना सबसे बड़ी बात ये है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम चाचा, बिस्तरा बुस्तरा लगा के बड़े आज टशन के साथ बैठे हो, खैर नहीं लग रही, क्या हाल है? हुक्का वक्का नहीं पीते? तो कितने चिलम नहीं तरी?
कोई शायद नहीं की। सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीते। तो किस इलाके से हो चाचा? मैं कहाँ से? साहिवाल। साहिवाल। कितनी देर होगी इतने आया लाहौर? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਸਤਰ, ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚੱਲੇ ਚਾਦਰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਬਸ। तो खाना शाना कहाँ से खाते हैं? वो दुकान जिन्होंने को काम। ये जो मुसाफिर खाना बना रहे हैं, आपको लगता है कुछ जगह जगह अंदर देंगे आपको? पता नहीं जी, कोई पता नहीं। पार्क में आपको बैठने देते थे? कभी बैठने थे, कभी नहीं बैठे। पार्क में बूटे बाटे थे, दरख्त थे? हाँ जी। कितने दरख्त थे को देखे कभी आपने? बाकी आप क्योंकि गाँव इलाका के हैं, साहिवाल से हैं, तो आपको तो बेहतर पता होगा। बाकी काफी दरख्त इधर है, बाकी उन्होंने सारे तोड़ बांध दिए। कोई अंदाजा है कि कितने कितने साल पुराने दरख्त सन? क्योंकि वड्डे सन काफी। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਦੇਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਆ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਮ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਯਹਾਂ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਂਗੇ तो ये सड़कें अरके गुलाब से धोई जा चुकी होंगी। भाई जान मैं आपको बताने लगा हूँ, चेलम था मुसाफिर इस फुटपाथ पे भी नहीं होंगे जब तक वजीर आजम पाकिस्तान यहाँ पे होंगे ना। ये सब के सब ग्रेटर इकबाल पार्क के पुल के पड़ली साइड पे होंगे। ये तमाम मुसाफिर जिनके लिए मुसाफिर खाना बनाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मारते चले जाएंगे, डरते उधर ही चले जाएंगे ना सर जी। पुलिस वाले तंग बहुत करेंगे, इधर बहुत तंग करेंगे मुसाफिरों को, कर दिया जाएगा सारा एरिया ये वाला। ये फ्याज साहब को भी पता है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ है, मकसद कहने का ये कि अरके गुलाब से नहीं धोया जाएगा, ये पानी में जो वाटर बाउजर है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जितने हैं ना खुले आम जो हैं, ये लोग हैं फुटपाथ पे सोते हैं, ये सारे आम जो हैं हाजत यहीं पे ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से एलडब्ल्यू अस्सलाम वालेकुम ट्रक पे आएगी। और क्या हाल है? क्या नाम है आपका? वजाहत अली। वजाहत अली किस इलाके से आप? दपालपुर से। दपाल, कब से इधर सोते हैं आप? इधर तकरीबन तीन महीने हो गए। क्या वजह हुई इधर क्यों सोना पड़ता है? इधर इस बात से सोते हैं, कमरा वगैरह तो होता नहीं है, इधर 50 रुपए लेते हैं सोने के। नहीं तो आपको ये अब हुकूमत बना के मुसाफिर खाने दे रही है, तो आपको लगता है आपको अंदर जगह देंगे? बहुत मुश्किल है। मुश्किल बात है क्योंकि गरीबों को ही कौन सुनता है। इधर कितने बूटे थे, दरख्त कितने थे? दरख्त तो बहुत ज़्यादा थे। कितने होंगे अंदाज़ा है कोई? तकरीबन 40-50 दरख्त लगे जो काट दिए उन्होंने। जो काट दें आप गवाही देख लें कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने गवाही दी है कि इधर बहुत बड़े पैमाने पर दरख्त थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कादिर। कादिर साहब किस इलाके से हैं? ये मैं ग्रीन टाउन टाउनशिप। तो क्यों इधर बैठना पड़ता है आपको? माँ बाप बहुत हो गए हैं, तो कोई नहीं कमा के देने के लिए? नहीं, आप खुद भी नहीं कमाते? कमाते हैं, बाकी नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, कहीं से रंग का काम नहीं मिलता, ये कुछ करते हैं और यहाँ सोते हैं, दादा का लंगर खा लेते हैं बस। अच्छा फहद, क्या बेहतर होता कि इस मुसाफिर खाने का इफ्तिताह ऐसे ही किसी मुसाफिर से करवाया जाता? बहुत खूबसूरत बात है। प्रोग्राम का टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है, ये फुटपाथ आपको दिखा रहे हैं। अगर मुसाफिर की डेफिनेशन ये है कि जो लोग घरों में नहीं हैं और घरों से बाहर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? साफ वाले ये ना ऐ साडा इंसाफ करो, साढ़े को दो सिगटा निकलिया ने, साडा 7,500 रुपया रखा गया है, उल्टा सानू जेल च दिता गया है, क्यों किस वजह तो? 9 दिन मैं जेल च रह गया, 25 तरीक मेरी जमानत हुई है, घरदिया ने पैसे लाए ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਹਾਲ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? SH ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? SH ਦਾ। SH ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸ਼ਲ ਕਬਾਲ ਥਾਣਾ ਹੈ। इकबाल थाना है, यहाँ एक और भी प्रैक्टिस है, इन मुसाफिरों के साथ एक और प्रैक्टिस है, वो भी हम आपको फाहशा डाल देते हैं उन पे। नहीं नहीं बताऊँ, हर माह की आखिरी तारीख में असला और मंशियात के बोगस मुकदमात यहाँ से ही लोगों को उठाकर, यहाँ के जो फुटपाथ पे जो मुसाफिर हैं उन मुसाफिरों को उठाकर उनके ऊपर इन मुकदमात का अंदराज किया जाता है। ये मुकदमात हैं जो हर माह की आखिरी तारीखों में दर्ज होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, टाइम हमारे पास प्रोग्राम का खत्म हो गया। ये पार्क है जी PHA का, पार्क में से दरख्त काट दिए गए, यहाँ मुसाफिर खाना बनेगा, बड़े तादाद में इन दरख्तों को काट दिया गया,
درختوں کا قتل عام کیا گیا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشنز کی گئیں, اور یہ کیا کس نے؟ حکومت نے خود سے کیا. اور ان سارے معاملات کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ حکومت اگر سموگ کے خلاف اس کے تدارک کے لیے کمپین کر رہی ہے تو درخت کاٹنے سے اس کمپین میں کتنا نقصان ہوگا اور حکومت کی پالیسی کتنی واضح ہوگی کہ حکومت کتنی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, ماحولیات کے حوالے سے حکومت کتنا دوست ہے ان سارے معاملات کی. اور یہ لوگ جو فٹ پاتھ پہ کرتے ہیں بسیرا, گھر ان کے اگر ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے؟ فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.